बात लखनऊ की करते हैं। यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल हटाए गए हैं। क्राइम कंट्रोल करने में लापरवाही का उन पर यह आरोप था। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ये कमान संभालेंगे, तो नए अफसर के चयन तक डीजीपी का काम संभालेंगे। और डीजीपी बनने की रेस में चार बड़े अफसर हैं, आरपी सिंह, जीएल मीणा और आरके विश्वकर्मा और डीएस चौहान। और ज्यादा बातचीत के लिए लखनऊ ब्यूरो आलोक राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, नए अफसर के चयन के लिए कोशिशें की जा रही हैं, क्या लग रहा है कि यूपी के अंदर जो छवि सीएम की है और क्राइम कंट्रोल करने का जो उनका तरीका है, उस तरीके को भांपते हुए वो अफसर उनके साथ तालमेल बिठाकर काम कर पाए? देखिए, निश्चित रूप से कानून व्यवस्था सरकार की जो है प्राथमिकता है और लगातार मुख्यमंत्री इसको लेकर जो है सख्त निर्देश भी देते रहे हैं और लगातार बैठ के भी जब भी मुख्यमंत्री करते हैं वरिष्ठ अधिकारियों की, खासकर अगर गृह विभाग की बात की जाए तो लगातार वो उनका फोकस इस बात पर रहता है कि जो है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त रहनी चाहिए। और इसी के लिए जो है उन्होंने लगातार निर्देश भी दिया था। हाल ही में वो झांसी दौरे पर गए थे जहां पर उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर नाराजगी भी जताई थी, खासकर जैसे चंदौली और ललितपुर में जो घटनाएं हुई थी उसको लेकर मुख्यमंत्री काफी सख्त थे। और अगर बात की जाए डीजीपी मुकुल गोयल की, जिनको आज हटा दिया गया है, जिनको नागरिक सुरक्षा के पद पर भेजा गया है, तो उनकी सक्रियता पिछले काफी समय से बहुत कम थी। अगर कहा जाए कि वो लगातार जो है कार्यों में अपने या अपनी जिम्मेदारियों में उतनी रुचि नहीं ले रहे तो बिल्कुल ये सही होगा, क्योंकि लगातार उनकी सक्रियता कम होती जा रही थी। वो दिखाई नहीं पड़ते थे, नहीं कहीं राजधानी में, नहीं बाहर। जब भी कोई बड़ी घटना होती थी तो डीजीपी को जाना चाहिए, डीजीपी को दौरा करना चाहिए, क्योंकि डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस का मुखिया होता है। तो ऐसे में उनकी सक्रियता न के बराबर थी और कहीं ना कहीं इन्हीं सब बातों को लेकर मुख्यमंत्री ने ये बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद जो है डीजीपी मुकुल गोयल को उनके पद से हटा दिया गया है और एडीजी एलओ प्रशांत कुमार को फिलहाल डीजीपी का चार यानी कार्यभार सौंप दिया गया है। अब इसके बाद जो है सरकार की तरफ से पैनल भेजा जाएगा जिसमें से एक नाम चुना जाएगा जिसको डीजीपी उत्तर प्रदेश का बनाया जाएगा। और माना जा रहा है कि आरके विश्वकर्मा यानी राजकुमार विश्वकर्मा जो कि सीनियर आईपीएस अधिकारी उत्तर प्रदेश के, इसके अलावा बीएल मीना और इसके अलावा जो डीजी इंटेलिजेंस है डीएस चौहान, ये तीन नाम फिलहाल चर्चा में चल रहे हैं कि इन्हीं तीन नामों को आगे सरकार की तरफ से पैनल के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद इस पर केंद्र की तरफ से स्वीकृति मिलेगी और इसमें से एक नाम फाइनल होगा यूपी डीजीपी के लिए। जी शुक्रिया आलोक इस तमाम बातचीत के लिए। क्राइम कंट्रोल करने में लापरवाही का आरोप उन पर लगा और फिलहाल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ये कमान संभालेंगे।